हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूडिंग टॉपिक देखेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का। तो मेरा कोशिश है कि थ्योरी को सारा कवर कर लिया जाए, न्यूमेरिकल वैरायटी कुछ कुछ में कर रहा हूँ, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करोगे या फिर सेपरेट क्लासेस में ही हो पाएगा। क्या है टॉपिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप जानते होंगे, नहीं? क्या था? एज लॉन्ग एज, नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्शन ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, है ना? सिमिलर, अगर वही लॉ को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इसमें फॉर रोटेशनल मोशन, क्या लिखेंगे उसमें? क्या था? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, यहाँ पर क्या कहेंगे? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी। थोड़ा समझेंगे चीजों को, फिल करने की कोशिश करते हैं लॉ को। लॉ क्या कहता है? एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, द टोटल एंगुलर मोमेंटम और द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस रिमेन कंजर्व। ये हो गया लॉ का स्टेटमेंट। कोई बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं, उस फोर्सेस के चलते अलग अलग एक्सिस में हो सकता है कि कुछ कुछ टॉर्क है। हमें इंटेलिजेंटली ढूंढना पड़ेगा एक एक्सिस जिसमें कोई टॉर्क नहीं है। उस एक्सिस में जो एंगुलर मोमेंटम था वो कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस विल रिमेन सेम। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता है। कौन सा एक्सिस में? उस एक्सिस में जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। कोई बॉडी घूम रहा है, उसका किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में एंगुलर मोमेंटम है, है ना? जब तक उसी एक्सिस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस विल रिमेन सेम। ठीक है, ये चीज को हमें समझना है। तो थोड़ा फिजिकली रिलेट करते हैं। सपोज आई से आई एम स्टैंडिंग ऑन ए मूविंग चेयर। ठीक है, एक मूविंग चेयर के ऊपर मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक डंडा है। सपोज एक भारी भरकम लोहे का डंडा है, ऐसे पकड़ के खड़ा हूं। जस्ट इमेजिन, टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो, बिकॉज नथिंग इज मूविंग। और मैं डंडा को ऐसे मूव करवाऊंगा, है ना? डंडा को ऐसे मूव करवाया तो डंडा का कुछ एंगुलर मोमेंटम आया कि नहीं आया? लेकिन कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं आया एक्सिस में, तो कैसे आ गया एंगुलर मोमेंटम इसका? सोचोगे तो देखोगे, वो लोहे का डंडा को जैसे मैं ऐसे घुमाऊंगा, मेरा बॉडी का निचला हिस्सा ऐसे घूम जाएगा। व्हेन यू रोटेट इट लाइक दिस, यू विल रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज बिकॉज आपका अपर पार्ट का एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में हुआ, लोअर पार्ट का एंगुलर मोमेंटम उल्टा डायरेक्शन में हुआ, टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो है। जीरो था तो जीरो ही रहेगा। और सपोज ये कोई एक डिस्क है, और मान लो कि यहाँ पे कोई एक फ्रॉग बैठा हुआ है, मेढक, सब कुछ रेस्ट में। ये डिस्क इस एक्सिस में घूम सकता है, इधर से लगा है उसको एक्सिस लगा है। अगर ये फ्रॉग यहां से जंप करके निकल जाएगा तो पूरा सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जीरो था। जब ये मास वी वेलोसिटी में जाने लगा तो उसके चलते कुछ मोमेंट ऑफ मोमेंटम बना ही नहीं बना, तो फिर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो आया नहीं। इफ आई कंसीडर द डिस्क एंड द फ्रॉग एज ए सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स आया नहीं, लेकिन डिस्क ये फ्रॉग जंप कर गया तो उसके पास कुछ मोमेंटम है तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी है, तो कैसे कंजर्व हुआ? क्या होगा? देखोगे जैसे ये फ्रॉग जंप करके इसे जाएगा, ये डिस्क उल्टा घूमने लगेगा। फ्रॉग के चलते क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कुछ मोमेंट ऑफ मोमेंटम बना, डिस्क घूम गया तो क्लॉकवाइज कुछ एंगुलर मोमेंटम बना, दोनों मिलकर एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो, क्योंकि पहले जीरो था। जैसे फ्रॉग जंप करेगा डिस्क उल्टा घूमने लगेगा। आर गेटिंग? सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कंजर्व एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड।
चलिए सोचते हैं, यू थिंक अबाउट ए सीलिंग फैन। ये सीलिंग फैन में यहां पे एक डिस्क लगा है और यहां पे सब विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहां से ऐसे करके विंग्स लगे हुए। जैसे आप कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको सप्लाई करते हो, ये तो घूमने लगता है। अर्लियर इट वॉज ए ट्रस्ट, यू डिडंट गिव एनी एक्सटर्नल टॉक, यू सप्लाइड सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सिस्टम, तो फिर तो ये नहीं घूमना चाहिए। या फिर लॉ कैसे होना चाहिए, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क और एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू ए सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, ऐसे तो नहीं बोला है, ओनली एक्सटर्नल टॉर्क बोला है। फिर कैसा हुआ, यहां पर तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दिए, घूमने लगा? नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क मिला उसको। कैसे मिला, सोचिए आप अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे हाउ योर सीलिंग फैन इज हंग फ्रॉम द रूफ, ध्यान से देखना, सीलिंग फैन के ऊपर ऐसा एक क्लैंप है और यहां पे कोई रॉड पे इसको फंसाया गया है, समझ में आया ना, ये क्लैंप रहेगा, यहां से रॉड को ऐसे झुलाया गया होगा। जैसे आप सीलिंग फैन को ऑन करोगे, फैन घूमने से पहले ये ऊपर वाला जो हुक है वो पहले कट करके इसे घूम जाएगा, ये इसे घूम जाएगा, मतलब ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, दैट इज क्रिएटेड टॉर्क लाइक दिस, ये हो गया एक्सटर्नल टॉर्क, उसके चलते नीचे फैन भी ऐसे ही घूमेगा। अगर हम सीलिंग फैन को किसी एक ऐसे क्लैंप से नहीं लगा के हम क्या करते हैं, सपोज ये सीलिंग फैन को मैं क्या करता हूं, जस्ट वांट टू गिव यू ए फील, अगर ये सीलिंग फैन को मैं किसी एक वायर से झुला देता हूं, अब क्या होगा, जैसे आप स्विच ऑन करोगे पंखा तो चलेगा, ये जैसे घूमेगा ये ऊपर वाला जो डंडा है ये उल्टा घूमेगा, द एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी बैलेंस्ड, ये जितना एंगुलर मोमेंटम में घूमेगा नीचे वाला, ऊपर वाला उसका ऑपोजिट एंगुलर मोमेंटम में घूमेगा, नेट एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन सेम। कभी सीलिंग फैन नीचे रखा होगा, स्विच ऑन करके देखो क्या हो रहा है, निचला हिस्सा एक डायरेक्शन में घूमेगा, ऊपर वाला हिस्सा उल्टा डायरेक्शन में घूमने लगेगा, समझ में आ रहा ना। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व दैट यू मस्ट फील एंड अंडरस्टैंड एवरी प्रैक्टिकल केस, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट। आप देखे होंगे जो लोग वो एथलेट्स में होते हैं, एथलेटिक्स, वो क्या करते हैं, कभी कभार ऐसे जंप करते हैं और हवा में घूमते 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 नीचे आते हैं, नोटिस वो कैसे करते हैं, पहले वो क्या करेंगे, अपने आप को स्ट्रेच करेंगे ऐसे और जंप करेंगे, व्हेन दे जंप लाइक दिस दे आर हैविंग सम एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ऐसे जा रहे हैं पावर पाथ में घूम रहे हैं तो सम एंगुलर मोमेंटम है। अब यहां पर आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे मोड़ लेंगे, तो क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, दैट इज कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, तो यहां से जब जंप कर रहे थे छोटा सा एंगुलर वेलोसिटी था, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, जल्दी जल्दी घूमने लगे, आर यू गेटिंग, जल्दी घूमने लगेगा। आपको आपकी लेवल की एग्जाम्पल देता हूं, शायद आसानी से समझ में आएगा। चलिए थोड़ा सोचते हैं, लड़कियों को शायद बेहतर मालूम होगा इसके बारे में। चलिए यू नाउ रिकॉल, आप लोग सब रोजर खेलते हो ना, स्विंग्स, रोजर क्वींस में यहां पर बैठे हुए, जब आप झूला झूलते हो कैसे झूलते हो, थोड़ा देखना, आप झूले में बैठे हुए हो या आपका लेग है, लेग इज लाइक दिस, बी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दिस, आप लेग को ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो, पोजिशन वन में रख सकते हो या पोजिशन टू में रख सकते हो, फिर आप झूलते हुए यहां तक आए, यहां पर भी लेग को ऐसे रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो, यहां पर थ्री में रख सकते हो या फोर पोजिशन में रख सकते हो, आप अपना स्पीड बढ़ाना चाहते हो, अगर आपको तरकीब मालूम है, कोई थोड़ा सा झुला के आपको छोड़ दिया, स्टार्ट कर दिया, उसके बाद पांव को ऐसे ऐसे करके स्पीड बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, यू कैन इंक्रीज द स्पीड। अब आपको कोई थोड़ा सा झुला के छोड़ दिया, छोटा सा एंगुलर वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अब अपना एंगुलर वेलोसिटी आप बढ़ाना चाहते हो, क्या करोगे, ऑब्वियसली विल स्विंग योर लेग्स, है ना, लेग को ऐसे ऐसे करोगे तो बढ़ेगा। सोचो आप इस पोजीशन में पहुंच गए, कौन सा पोजीशन में, इस पोजीशन में, लेग को आप क्या करोगे, वन पोजीशन में रखोगे कि टू पोजीशन में रखोगे और ज्यादा ऊपर चढ़ने के लिए, कौन सा पोजीशन में रखेंगे कि ये ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, ऑनलाइन वाले बोलिए, टू पोजीशन में। अब जब हम हाइट पोजीशन में पहुंच गए, उसके बाद क्या टू फोर पोजीशन में रख के वापस आएंगे कि थ्री पोजीशन में रख के वापस आएंगे, थ्री पोजीशन में रखेंगे वापस आएंगे, यहां पर आने के बाद फिर से टू पोजीशन मिलेंगे तो और भी ऊपर जाएंगे,
है ना। सो एट द एक्सट्रीम पोजिशन यू स्ट्रेच योर लेग, एट द लोएस्ट पोजिशन यू स्क्वीज योर लेग, ऐसा करके अपना स्पीड बढ़ाते हैं। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है। लेकिन देखो फिजिक्स क्या बोलता है। फिजिक्स से देखें तो जब आप इधर से जा रहे थे यू आर हैविंग सम एंगुलर वेलोसिटी, सम एंगुलर मोमेंटम एंड यू आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। देखो तो जब पोजिशन वार में है आपको मालूम होगा कि आपका एंटायर बॉडी का ऑलमोस्ट 50% मास इज देयर इन द लेग्स। हैवी है, वेरी हैवी है। ऊपर वाला पार्ट तो खोखला है, अंदर कुछ नहीं है, खाए पिए होगा तो कुछ रहेगा, ऊपर कुछ मास नहीं है, ऑलमोस्ट 50% इज देयर विद द लेग्स। अगर ये मास ऐसा पोजिशन में रहेगा तो ये बॉय का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में ज्यादा होगा, कि टू पोजिशन में रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में ज्यादा होगा। व्हेन दिस लेग इज स्ट्रेच्ड लाइक दिस मासेस आर अवे फ्रॉम द एक्सिस सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर। व्हेन यू पुल योर लेग टू दिस पोजिशन यू फाइंड द मासेस आर कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, क्लोज टू द एक्सिस हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, आई डिक्रीजेस, बट कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया। एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, आई ओमेगा। आई डिक्रीज कर गया, ओमेगा बढ़ जाए, ओमेगा बढ़ जाएगा तो आपका एंगुलर स्पीड तुरंत बढ़ गया, आप और ऊपर गए। जितना ज्यादा एंगुलर स्पीड में फेंकेंगे यहां से उतना ऊपर जाएगा। फिर यहां पर क्या किए, आप रेस्ट में आ गए क्योंकि एक्सट्रीम पोजिशन है, यहां पर आपके पास कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, आप मोमेंटली रेस्ट में आए हो। उस पीरियड में आप अपना पांव को स्ट्रेच कर दिए, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि कोई एंगुलर मोमेंटम यहां पे नहीं था, अब भी नहीं है। फिर से आप बाय ग्रेविटी नीचे आने लगे, जब यहां तक आए पांव इस हाल में था, खींच के फिर से पास लिए तो और ऊपर गए। सो एवरी टाइम व्हाइल पासिंग थ्रू द लोएस्ट पोजिशन यू हैव टू पुल योर लेग टू इंप्रूव योर एंगुलर स्पीड। एग्जैक्टली इन द सेम वे टू डिक्रीज योर एंगुलर स्पीड यू हैव टू डू द रिवर्स वे। एवरी टाइम व्हाइल पासिंग थ्रू द लोएस्ट पोजिशन यू हैव टू स्ट्रेच योर लेग, एक्सट्रीम पोजिशन स्क्वीज योर लेग्स। समझ में आ रहा ना, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना? क्या देखे, जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता है किसी एक्सिस में, टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस रिमेंस कंजर्व, किसका, कोई बॉडी का हो या सिस्टम का हो। चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस क्वेश्चन, टू डिस्क्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2 rotating in opposite directions with angular velocities ω1 and ω2 were brought to contact maintaining a common axis. Find what will be final angular velocity of the combination. ये दो डिस्क अलग अलग थे, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है I1 and I2, they were rotating in opposite directions, एक ऐसे घूम रहा था। अरे चलिए एक मिनट, थोड़ा ये एक डिस्क ऐसे घूम रहा था, दूसरा वाला ऐसे घूम रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा वन और ओमेगा टू स्पीड में घूम रहे थे। क्या हुआ, दोनों को कांटेक्ट में ले आए। कांटेक्ट में ले आएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर वाला ऐसा घूम रहा है, दूसरा वाला ऐसा घूम रहा है, तो देयर विल बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के चलते ऊपर वाला भी स्लो होने लगेगा, नीचे वाला भी स्लो होने लगेगा, है ना। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली क्या होगा, अब देखोगे दोनों मिलके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहे हैं, इसमें से कोई एक पहले रुक जाएगा, जो पहले रुक जाएगा वो दूसरे के डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, पहले रुक जाएगा फिर दूसरे के डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा। तो पूछा व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर हम दोनों डिस्क को लेके सिस्टम मानते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन हुआ दैट इज इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, इंटरनल फोर्स विल प्रोड्यूस इंटरनल टॉर्क। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, As long as no external torque acts on a body or system of masses about an axis, if I consider these two discs as a single system, उनके बीच में जो frictional force और उसके चलते जो torque बन रहा है, that torque is an internal torque. थोड़ा सा question से परे हटके सोचते हैं और बताओ, torque किसके ऊपर ज्यादा होगा, छोटे वाले disc के ऊपर कि बड़े वाले disc के ऊपर? देखो छोटे वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे आ रहा है, बड़े वाले के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स वहीं पे आ रहा है। छोटे वाले के लिए जितना टॉर्क बनेगा, बड़े वाले के लिए उतना ही टॉर्क बनेगा। सेम ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी घटने लगेगा, बराबर रेट में घटने लगेगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी सेम। देखें आस्क यू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। खैर हमारा क्वेश्चन तो कुछ दूसरा है, व्हाट इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में ऐसे लिखूंगा, कंसीडरिंग द टू डिस्क एज ए सिंगल सिस्टम, सिंगल सिस्टम द फ्रिक्शनल टॉर्क, फ्रिक्शनल टॉर्क इज एन इंटरनल टॉर्क। फ्रिक्शनल टॉर्क क्या हो गया, ये इंटरनल टॉर्क हो गया। इंटरनल टॉर्क मतलब टॉर्क ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस को हम इंटरनल टॉर्क कहोगे, है ना। एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स द एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इज कॉन्स्टेंट डज नॉट चेंज। एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलता है, मतलब पहले जो एंगुलर मोमेंटम था और बाद में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट सेम रहेगा, बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। पहले क्या एंगुलर मोमेंटम था, बाद में क्या एंगुलर मोमेंटम है पूछा है। बाद में दोनों मिलके कॉमन वेलोसिटी, व्हाट विल बी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का कॉमन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा मालूम नहीं है, सेट इज ओमेगा डैश, ठीक है ना। तो अगर दोनों डिस्क मिलके घूम रहे हैं ओमेगा डैश में तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, आई ओमेगा। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है, दूसरे का आई टू है, दे रोटेटिंग अलोंग द सेम एक्सिस, व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई वन प्लस आई टू। सो आप कहोगे आई वन प्लस आई टू इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से इट इज ओमेगा डैश, आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा डैश इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, दैट शुड बी इक्वल टू द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली क्या था, ऊपर वाले के पास कुछ था, नीचे वाले के कुछ था। ऊपर वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या था, इट वाज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन मूविंग विद ओमेगा वन, आई वन ओमेगा वन। नीचे वाले का आई टू ओमेगा टू, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में थे, नहीं उल्टा घूम रहे थे। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू और आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू माइनस, हम कहेंगे इट इज आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू। ये हो गई बात, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आया तो हम कहेंगे कि अब ओमेगा डैश निकालना आपके लिए कोई बड़ी चीज तो है नहीं, यू कैन डू इट नाउ। सो व्हाट इज नाउ ओमेगा डैश, यू विल से ओमेगा डैश इज आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू बाय आई वन प्लस आई टू। क्या मिल गया ओमेगा डैश, दैट इज इक्वल टू आई वन ओमेगा वन माइनस आई टू ओमेगा टू बाय आई वन प्लस आई टू। क्या ये सबको समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विल बी दिस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, एन आयरन डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर माउंटेड ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट वाज रोटेटिंग अलोंग इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा में घूम रहा था, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ए मैग्नेट ऑफ मास एम वाज ड्रॉप्ड एट ए डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम एक्सिस, यहां से r by 2 डिस्टेंस में कोई मैग्नेट को ड्रॉप किए एंड इट स्टिक्स टू द डिस्क, मैग्नेट था ये लोहे का डिस्क था, जहां गिरा वहीं चिपक गया, द मैग्नेट स्टिक्स हियर। क्या मास है, मास इसका भी m है, है ना, मास इसका m है। पूछा है बताओ व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। अगर हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस एक्सिस में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना चाहते हैं क्या उस एक्सिस में कोई टॉर्क तो नहीं आया। चलो देखते हैं, अब जैसे ही मैग्नेट को हम यहां पे ड्रॉप किए, मैग्नेट का एक वेट होगा कि नहीं होगा, यस होगा। कैसे होगा, नीचे की तरफ होगा, क्या उसके चलते इस एक्सिस में कोई टॉर्क नहीं होगा, हाँ होगा। कैसा टॉर्क होगा, ऐसा टॉर्क होगा, है कि नहीं, द टॉर्क विल बी लाइक दिस। लेकिन कैसे घूम रहा था पहले, ये पहले ऐसे ऐसे घूम रहा था, द डिस्क वाज रोटेटिंग लाइक दिस,
क्या मैग्नेट का वेट इस डायरेक्शन में कोई टॉर्क बना रहा है? नहीं, वो तो ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा है ना, सो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दिस एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे, बाय ड्रॉपिंग दिस मैग्नेट हियर द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस विल रिमेन कंजर्व। मतलब पहले जो एंगुलर मोमेंटम था अब भी वही एंगुलर मोमेंटम रहेगा। पहले क्या एंगुलर मोमेंटम था? पहले था डिस्क मूविंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पहले क्या था? ये डिस्क मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम कहेंगे अगेन कंसीडरिंग ये चीजें किसको आप सिस्टम मान रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसीडरिंग डिस्क एंड मैग्नेट एज ए सिस्टम, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स अबाउट द एक्सिस, नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स अबाउट द एक्सिस, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली क्या एंगुलर मोमेंटम था? इट वॉज आई फॉर द डिस्क इंटू ओमेगा। फाइनली क्या हो गया? आई ऑफ द सिस्टम, क्योंकि अब डिस्क के साथ कौन जुड़ गया है? मैग्नेट जुड़ गया है, इंटू ओमेगा डैश। यहां से हमें ओमेगा डैश पता करना है। अच्छा, डिस्क का मास एम, रेडियस आर था, क्या बता सकते हो? व्हाट वॉज द आई डिस्क वैल्यू? इट वॉज हाफ एम आर स्क्वेयर। व्हाट वॉज आई फॉर द सिस्टम? सिस्टम में क्या था? एक डिस्क था जो कि घूम रहा था और एक मास था एम जो कि यहां से कितने दूर पे था आर भाई। तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम नाउ? It is for the disk. It is half mr square plus due to this mass. ये mass इसके ऊपर बैठे हुए घूम रहा है, क्या radius है? r by 2. It is plus m r by 2 का square. ये आपको समझ में आना चाहिए। You must understand the system moment of inertia is something different from the earlier one. Now, चलिए इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इट इज हाफ एम आर स्क्वायर, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 4। इट इज 2 एम आर स्क्वायर बाई 4, इट इज एम आर स्क्वायर बाई 4 जोड़ो तो 3 एम आर स्क्वायर बाई 4। पहले क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर। अच्छा, तो पुटिंग इन द इक्वेशन, इक्वेशन हमारा क्या था? आई डिस इंटू ओमेगा इज इक्वल आई सिस्टम इंटू ओमेगा डैश। ठीक है, लिखते हैं आई फॉर द सिस्टम इंटू ओमेगा डैश इज इक्वल आई फॉर द डिस्क इंटू ओमेगा। ये सब हमें मालूम है, ओमेगा हमें दिया गया है, ओमेगा डैश पता करना है। इट इज आई फॉर द डिस्क बाय आई फॉर द सिस्टम, सिस्टम ऑफ डिस्क एंड ब्लॉक इनटू ओमेगा। डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर और सिस्टम के लिए 3/4 एम आर स्क्वायर दैट इनटू ओमेगा। थोड़ा मारपीट करो तो मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा? इट इज कमिंग आउट टू बी 2/3 ओमेगा और 2 ओमेगा बाय, क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम मैग्नेट डाल देंगे क्या होगा, डिस्क थोड़ा स्लो हो जाएगा, बट व्हाट इज द न्यू एंगुलर वेलोसिटी? न्यू एंगुलर वेलोसिटी विल बी 2 ओमेगा बाय 3। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या रहा है इसमें। Here is a girl. A girl was rotating about a vertical axis with hands outstretched, having moment of inertia 20 kg meter square. ये एक लड़की है। फिगर में दिया गया है कि ये ओमेगा 1 एंगुलर स्पीड में घूम रही थी, है ना? अपने हाथ को ऐसे करके घूमते हैं ना लड़कियां, ऐसे ऐसे करके घूमते। So she was rotating with an angular speed omega 1 with hands outstretched. क्या था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 20 केजी मीटर स्क्वायर। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 20 केजी मीटर स्क्वायर। ये लड़कियों वाली चीज है तो लड़कियों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है?
तो इट इज कमिंग आउट विद 20 kg/m² ऐसे दिया गया है। अच्छा अब हुआ क्या, हुआ क्या, शी ड्रॉप्स हर हैंड, घूमते घूमते हाथ को ऐसे डाल दिया, तो उसका एंगुलर स्पीड पहले आप बताओ सेम रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। ऐसा करके घूम रहा था कुछ एंगुलर वेलोसिटी में और हाथ को डाल दिया। सोचो ऐसा करके जब घूम रहा था हाथ को डाल दिया, कोई बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क आया क्या? नहीं आया। तो I into omega 1 was the angular momentum. Angular momentum will remain conserved. अब जब हाथ को डाल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि घट गया? एक्सिस ऐसा है, एक्सिस इज लाइक दिस, हाथ जब ऐसे थे मासेस वेयर अवे फ्रॉम द एक्सिस, जब हाथ पास आ गए मासेस आर क्लोज टू द एक्सिस, I decreases, I omega has to be constant because no external torque is acting. I decrease कर गया तो omega increases. तो जैसे वो हाथ डाल देगी omega 2 will increase. Are you getting? फिर हाथ उठा लेगी फिर omega 1 आ जाएगा, फिर डाल दी तो omega 2, वो अपना अपना स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो बात चल रहा था what is omega 1 by omega 2. हाँ क्वेश्चन को पूरा देखते हैं। A girl was rotating about a vertical axis with hands outstretched. Having moment of inertia 20 kg/m². She drops hands and moment of inertia changes by 5 kg/m². Changes by 5 kg/m means increases by 5 kg/m और decreases by 5 kg/m. हाथ को डाल दिया, moment of inertia बढ़ गया 5 kg/m कि बढ़ गया कि घट गया 5 kg/m? अरे कैसे, हाथ जब सीधा था his moment of inertia was 20 kg/m. हाथ को डाल दिया, बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 kg/m² चेंज हो गया, कितना चेंज हुआ 5 kg/m, मतलब 25 होगा कि 15 होगा? अरे हाथ डाल दिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजिंग बिकॉज मासेस आर कमिंग क्लोज, ए तो मासेस आर कमिंग क्लोज, यही समझना है। चेंजेस का मतलब इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो क्या कहेंगे सोल्यूशन में, क्या कहेंगे सोल्यूशन में, कहेंगे यहां पर I1 कितना है, I1 था 20 और ओमेगा तो ओमेगा 1 था, I2 कितना होगा, I1 प्लस 5 और माइनस 5, हाथ को डाल दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिक्रीजिंग, तो आपको इट बिकम्स I1 माइनस 5। समझ में आया क्या, ये 20 kg/m² था, ये 15 kg/m² हो गया, लेकिन हाथ को डालते वक्त क्या उसका कोई एक्सटर्नल टॉर्क आया? नहीं, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, तो आप कहोगे बीट 1 के लिए हम कर रहे हैं I1 ओमेगा 1 मस्ट बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2 बिकॉज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क x। अच्छा ये बात है, तो आप कहोगे पूछा क्या है ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, हां तो कितना सिंपल है, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज I2 बाय I1, मतलब 20 नहीं, I2 कितना है 15, 15 by 20 is 3 by 4, समझ में आया क्या, 3 by 4, so the ratio omega 1 by omega 2 is 3 by 4, ये चीज सबको समझ में आया, ध्यान से देख लो। दूसरा क्वेश्चन में और कुछ पूछा है, क्या पूछा है, पूछा है बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, the काइनेटिक एनर्जी will increase और decrease। आप देख रहे हो कि कोई बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय L²/2I, है कि नहीं, L²/2I होता है काइनेटिक एनर्जी। अब L तो कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग, हाथ को डालने के कारण I बढ़ गया कि घट गया, घट गया, हाथ को नीचे डालने के कारण हैंड्स आर कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, हाथ जब ऐसा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 था, हाथ अगर ऐसे नीचे ले आया मासेस आर कमिंग क्लोज टू द एक्सिस, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, नाउ हैंड्स आर क्लोज टू द एक्सिस, यहां पर हैंड्स तो अवे फ्रॉम द एक्सिस थे, घट गया, सो L²/2I होता है काइनेटिक एनर्जी, L रिमेनिंग कांस्टेंट I डिक्रीजेस, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी, L रिमेनिंग सेम I डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी, L²/2I काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। क्या सबको समझ में आया? अब सोचने वाली चीज है कि हम जानते हैं कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो कहां से आया एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, कहीं से तो लॉस हुआ होगा, कोई तो वार किया होगा। हाँ सोचो अगर मैं हाथ को ऐसे आधा खोल के जोर से घूम जाऊंगा
जोर से घूम जाऊंगा तो मेरे हैंड्स विल ऑटोमेटिकली बी स्ट्रेच्ड कि नीचे गिर जाएंगे। अगर मुझे जोर से घुमा दिया जाएगा तो मेरे हाथ ऊपर उठ जाएंगे कि नीचे गिर जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर ट्राइंग टू स्ट्रेच इट। मैं जब हाथ को डालने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे हाथ को बाहर की तरफ खींचा जा रहा है किसके द्वारा, बाय द सिस्टम फोर्सेस। सिस्टम फोर्सेस मेरे हाथ को सीधे करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती हाथ को खींच के ला रहा हूं। वर्क इज डन बाय द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, अगेंस्ट। व्हेनेवर वर्क इज डन बाय ए सिस्टम इट्स एनर्जी डिक्रीजेस, वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स एनर्जी इंक्रीजेस। ये पेन को मैं ऊपर लिया, वर्क इट ऑन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, नीचे लाया पोटेंशियल डिक्रीजेस। हियर द सिस्टम फोर्सेस वे ट्राइंग टू स्ट्रेच माय हैंड्स, मैं जबरदस्ती हाथ नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली एनर्जी विल इंक्रीज बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क। जो एनर्जी आया कहां से आया, बिकॉज आई माई सेल्फ फ्रॉम माई मसलर फोर्सेस आई डिड सम वर्क। समझ में आया क्या? तो हम क्या कहेंगे इसमें सोल्यूशन में, क्या कहेंगे, एज एल इज कॉन्स्टेंट एम बाय ड्रॉपिंग हैंड्स एम आई डिक्रीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गया बिकॉज आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी इज एल स्क्वायर बाय, ये रोटेशनल मोशन की बात चल रहा है, एल स्क्वायर बाय टू आई, आई घट गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। क्या सबको समझ में आया? अंडरस्टूड? यस। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मास रिमेनिंग सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल वाले इसको बहुत मजे लेके डालते हैं, सारा बुक में अवेलेबल है, दिस क्वेश्चन इज अवेलेबल ऑन इन ऑल योर बुक्स, और स्कूल में जो एग्जाम में रोटेशनल डायनेमिक पोर्शन में आएगा ये क्वेश्चन तो आना तय है, ग्रांटेड, सोच लो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे चालू टाइप के होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, इसका पहला हिस्सा आता है, दूसरा हिस्सा नहीं आता, जो मैं जोड़ दिया। इफ मास रिमेनिंग सेम, रेडियस ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ, व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ ए डे। अब क्या है कि अर्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, अर्थ धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है तो उसका रेडियस घट रहा होगा, घट रहा है, बोला कि मास तो वही है, रेडियस आधा हो गया, तो ड्यूरेशन ऑफ ए डे क्या होगा। फिर क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन ए ईयर, ये नहीं पूछते हैं स्कूल में, मैं बता दिया आपको। पहले हम समझते हैं कि व्हाट इट मींस बाय ड्यूरेशन ऑफ ए डे एंड व्हाट इट मींस बाय ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर। आप तो जानते हो कि अर्थ इज मूविंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट लाइक दिस, और ऐसे घूमते घूमते वो क्या कर रहा है, अपनी चारों तरफ भी घूम रहा है और इसमें भी घूम रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी में। एक बार अपनी चारों तरफ घूमने के लिए जो समय लगता है उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ ए डे, एक बार सन के चारों तरफ घूमने के लिए जो समय लगता है उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर। समझ में आया क्या? एक बार अपनी चारों तरफ घूमने के लिए जो समय लगता है उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ ए डे, एक बार सन की चारों तरफ घूम के आने के लिए जितना समय लगता है उसका कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में दिया ये है कि अर्थ सिकुड़ गया, छोटा हो गया, क्या उसका डिस्टेंस फ्रॉम सन बदल रहा है? नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम सन रिमेंस सेम। क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सन विल चेंज? नो, डिस्टेंस कोई मास का एक्सिस से डिस्टेंस अगर बरकरार रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल नॉट चेंज। दैट मींस इसका डिस्टेंस अगर सन से नहीं बदल रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ अबाउट सन इज नॉट चेंजिंग। मतलब ये सन की चारों तरफ घूम रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया और एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व्ड है। मतलब अगर आई में कोई बदलाव नहीं आया, आई ऑफ अर्थ अबाउट सन कोई बदलाव नहीं आया तो एंगुलर वेलोसिटी अराउंड सन विल ऑल्सो नॉट चेंज। कहने का मतलब ये हुआ कि अर्थ सिकुड़ जाने से पहले अर्थ को एक बार घूम के आने के लिए सन की चारों तरफ जितना समय लगता था, मींस व्हाटएवर वाज द ड्यूरेशन ऑफ ईयर, अब भी सिकुड़ जाने के बाद एक बार उसको सन की चारों तरफ घूम के आने के लिए उतने ही समय लगेगा, बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सन एंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सन नन ऑफ देम आर चेंजिंग, तो ड्यूरेशन ऑफ ईयर विल रिमेन सेम। सेम मतलब पहले जितने घंटे लगते थे अभी उतने ही घंटे लगेंगे। नाउ थिंक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ ए डे,
बिकॉज ऑफ रोटेशन, बिकॉज ऑफ स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपना एक्सिस में घूम रहा है, अब सिकुड़ गया तो कोई सॉलिड स्फीयर का रेडियस सिकुड़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा, आर थीज सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² है नहीं, आर घट गया तो आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया कौन सा एक्सिस में? अपना एक्सिस में, नॉट अबाउट सन बट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया तो एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? आई ओमेगा इज ए कांस्टेंट, आई घट गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, मतलब पहले जितना जोर से घूम रहा था अभी जल्दी घूमने लगेगा, एंगुलर स्पीड अबाउट इट्स ओन एक्सिस जल्दी जल्दी घूमने लगेगा। तो बताओ ड्यूरेशन ऑफ डे क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? पहले एक बार घूमने के लिए जितना समय लगता था उसको वन डे कहते थे, अभी जल्दी जल्दी घूम रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ डे विल बी सेम और लेस और मोर, क्या लग रहा है? लेस, पहले लगता था 24 घंटा अब कितना लगेगा, क्या मालूम कम लगेगा, कितना पूछा है कितना होगा बताओ, पूछा है कि व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ ए डे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पहले हम लोग बढ़िया से लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और लिखते हैं। सो सॉल्यूशन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ अबाउट सन अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉन्स्टेंट, तो आप कहोगे और I1 क्या था, सेट इज 2/5 mr², ओमेगा वन क्या था 2π/time period, पहले उसको एक बार घूमने के लिए कितना समय लगता था, 24 घंटा लगता था, 2π/24 रेडियन पर आर, अच्छा रेडियस आधा हो गया, अब I2 क्या हो जाएगा 2/5 mr² ओमेगा 2 कितना होगा, इट इज 2π/T, टी क्या है न्यू ड्यूरेशन ऑफ ए डे, एक बार उसको घूमने के लिए कितना समय लगेगा, अगर टी सेकंड लगेगा तो एंगुलर स्पीड हो जाएगा 2π/T, तो आप क्या कहोगे I1 ओमेगा 1 must be equal to I2 ओमेगा 2, नाउ इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स, आप कहोगे I1 ओमेगा 1 = I2 ओमेगा 2, वैल्यू डालते हैं 2/5 mr², ओमेगा 1 था 2π/24 इज इक्वल टू, I2 क्या हो गया 2/5 mr² और ओमेगा 2 कितना है 2π/T, टी क्या है ड्यूरेशन ऑफ द डे, द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, टी इज न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे, सिंपलीफाई करिए दोनों तरफ से काट पीट करो तो काफी कुछ कट जाएंगे 2/5 mr², ये आर स्क्वायर भी गया तो क्या मिल जाएगा, देखो तो व्हाट यू फाइंड अल्टीमेटली, यू फाइंड इट इज 2π/24 इज इक्वल टू ये 1/2π भी तो कैंसिल हो गया, अरे भाई 2π भी तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, 2π 2π ये भी तो गया, अच्छा क्या बच गया है, बच गया है 1/24 = 1/24 = ये कितना है 1/4t, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर हो गया 4t, r² तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब t कितना है 6 hours, 6 घंटे में एक एक दिन होने लगेगा, आप एक दिन स्कूल जाओगे अगले दिन वापस आओगे, समझ रहे हो ना, एक दिन स्कूल जाओगे अगले दिन वापस आए, रात में सो गए तो 2 दिन के बाद उठ रहे हो क्योंकि 6 घंटे में एक दिन होने लगा है, नहीं? एज एम आई अबाउट सन डज नॉट चेंज, अबाउट सन डज नॉट चेंज, व्हाई, क्यों, क्योंकि अर्थ छोटा हो गया लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम सन इज रिमेनिंग सेम, तो हम कहेंगे एज एम आई अबाउट सन डज नॉट चेंज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सन
रिमेन कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है, आई नहीं बदल रहा है, तो ओमेगा हैज टू बी कॉन्स्टेंट, रिमेन कॉन्स्टेंट। सो ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ड्यूरेशन ऑफ ईयर, ठीक है, सो ड्यूरेशन ऑफ ईयर रिमेन सेम, ड्यूरेशन ऑफ ईयर रिमेन सेम, है कि नहीं? लेकिन पूछा क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ईयर के बारे में नहीं पूछा है, पूछा है बताओ हाउ मेनी डेज विल बी देयर, हाउ मेनी डेज विल बी देयर इन ईयर। अब 6 घंटे में एक दिन होने लगे हैं, एक साल होने के लिए जितना समय लगता था अब उतना ही साल रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डे घट गया, तो कितने दिन होंगे एक साल में, एक साल में कितने दिन होंगे, देखना है कि एक साल में कितने घंटे होते हैं, डिवाइड बाय 6, तो आप कहोगे नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर विल बी, पहले कितने दिन लगते थे, 365 डेज हर एक 24 घंटे वाले, लेकिन अभी क्या हुआ, इतना घंटा लगते थे पहले, अभी 6 घंटे में एक दिन होने लगे हैं बाय 6, कितना हो गया देखो, तो इज इट कमिंग 1440, यस देखो ये हो गया 4, यस 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 1460, यस 1460 आ रहा है, सो देयर विल बी 1460 नंबर ऑफ डेज पर ईयर, साल में 1460 दिन होंगे, बट ड्यूरेशन उतना ही होगा, आपको 70 साल जीना है 70 साल जियोगे, लेकिन ज्यादा दिन जियोगे, है ना। देखो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो भूत को जानते थे कि यार छोटा हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, तो क्या होगा कि ड्यूरेशन ऑफ डे इज गोइंग टू चेंज, इसलिए तो कोई लिखा है तुम जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, कब होगा ऐसे, जब अर्थ बहुत छोटा हो जाएगा, साल में कितने दिन होंगे 50,000, है ना, ऐसे बोले, है ना, लोग बड़े चालाक होते हैं, हमारे कभी लोग भी साइंटिस्ट थे। ओके यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट अस सी नेक्स्ट। अरे ये कहां से आया, सो ड्यूरेशन ऑफ डे ईयर रिमेन सेम, अच्छा नंबर ऑफ डेज इन ईयर, अच्छा ये यहां पे आ गया, इसको यहां से निकालना था, नंबर ऑफ डेज इन ईयर क्या लिखेंगे, कॉपी करें इसको, नहीं तो बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज इन ईयर विल बी 1460, अच्छा तो यहाँ पे क्या आया, ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, समझ में आया, एक दिन में कितने, एक साल में कितने दिन होंगे, 1460 डेज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखो, यहां पर एक टेबल है, टेबल में एक होल है, यहां पर एक छोटा सा मास है जो घूम रहा है, होल के थ्रू से थ्रेड गया है नीचे, ये वाला थ्रेड है, ये थ्रेड इज हियर, है ना, ये पॉइंट को पी मानो, अब पकड़ के रखें और ये घूम रहा है, क्या स्पीड में, भी क्वेश्चन में दिया है द थ्रेड इज बॉब इज रोटेटिंग ऑन ए स्मूथ टेबल बाई ए थ्रेड ऑफ लेंथ एल, एल लेंथ का कोई थ्रेड है, ये भी स्पीड में घूम रहा है, क्लियर, ये भी स्पीड में घूम रहा है, क्वेश्चन क्या है, द थ्रेड इज पासिंग थ्रू ए होल, ये थ्रेड एक होल से होते हुए टेबल के नीचे निकला है, ठीक है, इफ द पॉइंट पी ऑफ द थ्रेड, ये पॉइंट को, इफ द थ्रेड इज पुल्ड डाउन बाय एल बाय टू, इसको कितना नीचे खींच लिए, एल बाय टू, तो क्या होगा, ये खींचा जाएगा पास में, तो पूछा है बताओ व्हाट विल बी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉब, पहले टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था, भी, अब इसको एल बाय टू खींच लिए, अब इसका स्पीड क्या होगा, समझ में आ रहा है, देखो हाउ वी हैव टू इंजीनियर दिस थिंकिंग, सोच पाओगे तो इंजीनियरिंग करोगे, ठीक है, लेट अस सी, जब आप इसको खींच रहे हो, सोचो क्या ये जो बॉब घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, कौन सा एक्सिस में घूम रहा था, इट वॉज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, इट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द होल, ओके, ये जो घूम रहा था उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम था,
जब हम ये थ्रेड को खींचे, क्या इस एक्सिस में कोई टॉर्क आया? हाँ सर, थ्रेड को खींच रहे तो थ्रेड के चलते फोर्स आ रहा, लेकिन थ्रेड के चलते जो फोर्स आ रहा है, दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है कि नहीं? दैट फोर्स इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, विल दैट क्रिएट एनी टॉर्क हियर? नो, नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड, तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे आप इसको खींच ली, ये पास आ गया, पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि घट गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास आ गया भाई, एक्सिस के पास आ गया, कोई चीज एक्सिस से दूर होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, आई ओमेगा इज ए कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, भाग लिया अपॉन टू ओमेगा, ओमेगा भाई इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज ओमेगा, चलो पहले देखते हैं कि ओमेगा कितना हो जाएगा, ठीक है? तो सॉल्यूशन ऐसे करते हैं, इनिशियली ओमेगा वन क्या था बताओ, ये वी स्पीड में घूम रहा है एल रेडियस की सर्कल में, व्हाट वाज द एंगुलर वेलोसिटी? वी इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन कितना हो जाएगा? वी बाई एल। आई वन क्या था? आई वन वाज एम आर स्क्वायर, सॉरी एम इनटू एल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ए मास एम, दिया नहीं है क्या है मास, यू अस्यूम मास एम मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस एल। फाइनली फाइनली ओमेगा टू कितना है वो मालूम नहीं है, आई टू कितना है, ये एल बाई टू खींच लिए है तो ये एल बाई टू आ गया है, कितना होगा एम एल बाई टू का स्क्वायर, कहां से आया, पहले था एल, घट गया एल बाई टू, पास आ गया एल बाई टू, अब डिस्टेंस एल बाई टू, पहले एल था एल बाई टू खींच लिए, कितना पास आ गया एल बाई टू, अब डिस्टेंस कितना है एक्सिस से एल बाई टू, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया ये, क्या इतनी डाटा से आप ओमेगा टू निकाल सकते हो? यस यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू, अगर आपको ओमेगा टू निकालना है, पूछा व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, वो निकाल लेंगे, ठीक है? तो लेट अस गो फॉर एज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स अबाउट द एक्सिस टू होल I1 omega 1 must be equal to I2 omega 2, और उल्टा लिखते हैं, हम कहेंगे I2 omega 2 must be equal to I1 omega 1, I2 कितना है m l by 2 का स्क्वायर, omega 2 कितना है वही तो पता करना है, I1 कितना है ml स्क्वायर, I1 is ml स्क्वायर, अच्छा I1 अगर ml स्क्वायर हो गया, omega 1 कितना है b by l। चलिए सिंपलीफाई करिए, व्हाट यू आर गेटिंग एज ओमेगा 2, देखो तो एम तो हम अस्यूम किए थे वो तो गया दोनों तरफ से, ये एल स्क्वायर बाई 4, इधर भी एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 क्या मिल गया, यू फाइंड ओमेगा 2 इज, कोई बोलेगा क्या, थोड़ा मुंह खोलो और बोलो क्या आएगा ओमेगा 2 का वैल्यू, 4 वी बाई एल, ये हो गया ओमेगा 2, लेकिन हमें ओमेगा 2 नहीं पूछा, पूछा व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, सो फाइनल टैंजेंशियल वेलोसिटी, फाइनल टैंजेंशियल स्पीड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वी डैश, कैसे निकालेंगे ओमेगा इनटू आर, इट इज ओमेगा 2 इनटू आर 2, क्योंकि फाइनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, अच्छा ओमेगा 2 तो मालूम है कितना 4 वी बाई एल, आर 2 कितना है, व्हाट इज आर 2, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल इन द सेकंड केस, एल बाई 2 खींच दिए कितना रह गया है Another, अरे ये पहले रेडियस था L, अब इसको L by 2 खींच लिए, अब ये घूम रहा है छोटा सर्किल में, छोटा सर्किल का रेडियस कितना है L by 2, yes L by 2, डाल दो वैल्यू डाल दो into L by 2, तो क्या मिल गया 2V, are you getting, yes पहले अगर स्पीड था V, अब हो गया स्पीड 2V, is it understood? Yes, brilliant. Let us see this question. A disk of mass m, radius r can freely rotate about its axis. A frog of mass m by 4
ए फ्रॉग ऑफ मास m by 4 सिटिंग एट द एज जंप्स आउट टैंजेंशियली विद स्पीड v फाइंड फाइनल एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क। ओहो चलो थोड़ा टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू से देखेंगे तो कैसे दिखेगा? टॉप व्यू से देखेंगे तो पहले था डिस्क ऐसा और मेढक यहां पे बैठा हुआ था, नहीं डिस्क का मास m, इसका मास m by 4। बाद में हुआ क्या, ये डिस्क ऐसा था लेकिन जो मेढक यहां पे था, कौन सा ये वाला जो मेढक यहां पे था वो क्या किया, जंप करके निकल गया, यहां से जंप करके निकल गया। पहले तो यहां था, अब वो यहां इधर जंप कर गया v वेलोसिटी में। दिस इज नॉट अपवर्ड टेंजेंशियली, आप ऊपर से देख रहे हो। तो पहले एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या था, जीरो। अब जैसे ये फ्रॉग जंप करेगा, व्हाट यू सी द डिस्क विल रोटेट और नॉट रोटेट, जंप कर जाएगा तो डिस्क विल रोटेट। डिस्क विल रोटेट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, वही तो पूछा है, बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। लेकिन हमें मालूम है कि इस केस में जितना एंगुलर मोमेंटम था इस केस में उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया है। इस केस में कितना एंगुलर मोमेंटम था, जीरो, है ना। चलिए ये फिगर को मैं दूसरे पेज में लेता हूं सो दैट वी कैन विजुअलाइज प्रॉपरली। ये दोनों केस में एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी हाउ इट इज टू बी सॉल्वड। तो यही था केस हमारा, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आया, मतलब एंगुलर मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना है, ठीक है। ये डिस्क थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा साइज कर देते हैं डिस्क को, ठीक है, ये डिस्क को थोड़ा भगा के थोड़ा साइज कर देते हैं, सुंदर दिखेगा। जस्ट फॉर सेक ऑफ गुड ड्रॉइंग मैं इसको चेंज किया, हाँ डिस्क नहीं बदला, डिस्क वही है। अब देखो यहां पर इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था अबाउट दिस एक्सिस ओ, क्या था, कुछ भी था, यू सी एल ओ इनिशियल एंड यहां पे एल ओ फाइनल, दे हैज टू बी सेम बिकॉज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स। इनिशियली क्या एंगुलर मोमेंटम था, सब कुछ तो रेस्ट में था। अब ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, क्या फ्रॉग के चलते कुछ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बन रहा है, हाँ बन रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अच्छा वो मोमेंटम मोमेंटम अबाउट ओ इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, मोमेंटम मोमेंटम ऑफ द फ्रॉग एम वी, फ्रॉग इधर जा रहा है तो इस एक्सिस में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला एंगुलर मोमेंटम दे रहा है कि क्लॉकवाइज घूमने वाला एंगुलर मोमेंटम दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डिस्क ऐसे घूम जाएगा, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम माइनस फ्रॉग का मोमेंट ऑफ मोमेंटम कि प्लस फ्रॉग का मोमेंट ऑफ मोमेंटम, माइनस, व्हाई, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम है फ्रॉग का उसके चलते इस एक्सिस में ऐसा एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है, ये है एक्सिस, यहां पे फ्रॉग इधर जा रहा है, इसके चलते जो मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा तो हम क्या कहेंगे, इट इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रॉग माइनस, why minus, because they are in opposite direction, angular momentum of disk, ये चीज समझ में आना जरूरी है। अच्छा ये बात है, disk angular momentum को minus कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा ये हमारा काम पूरा करते हैं, अब निकालो सबका वैल्यू निकाल के डालो, आप लोग तो इतना तो कर सकते हो, यू कैन डू दिस पार्ट। अब जीरो इज इक्वल टू, जीरो इज इक्वल टू, क्या कोई मुझे बताएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग का मास क्या था, m by 4, कोई m by 4 मास v वेलोसिटी में से जा रहा है, इसका रेडियस r है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम अबाउट o, इट वाज mv into h, h मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन, तो हम कहेंगे mv मतलब m by 4 into v into h के जगह r माइनस,
दिस का मोमेंट ऑफ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस, दिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज हाफ ए मास स्क्वायर इनटू कितना जोर से घूम रहा है ओमेगा कितना है, अरे वही तो निकालना है। अच्छा ये बात क्या यहां से आपको मिल गया ओमेगा का वैल्यू क्या मिला, देखो तो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी क्या क्या हो रहा है इसमें, ये एम एम कैंसिल हो गया, आर आर कैंसिल हो गया, वी बाई आर आ गया नीचे और ये टू, इट इज कमिंग आउट टू बी वी बाई टू आर। क्या यही आंसर दिए थे पहले, क्या सबको समझ में आया, तो आंसर हो गया वी बाई टू आर, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विल बी वी बाई टू आर। इज इट अंडरस्टूड, एंगुलर वेलोसिटी जो था वो क्या बन जाएगा वी बाई टू आर बन जाएगा, पहले क्या था जीरो, एवरीथिंग वाज एट रेस्ट, नाउ द डिस्क हैज स्टार्टेड रोटेटिंग। इधर क्लियर, ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।